Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Zaike Ke Rang. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. तो आज हम आपके लिए अपनी ईद की रेसिपीज, बकरीद की रेसिपीज में एक और बहुत मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं जो कि सब बहुत शौक से बनाते हैं और खाते भी हैं, और सबसे पहले शायद वही बना के खाते हैं, और वो है कलेजी. तो आपको बहुत मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी बनाना सिखाते हैं. हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये है मेरे पास हाफ के जी कलेजी, ठीक है जी. ऑयल है मेरे पास जो कि मैं हाफ कप यूज़ करूँगी. ये है मेरे पास 3 से 4 टमाटोज कटे हुए, 1 मीडियम साइज़ की अनियन, और ये 3 से 4 हरी मिर्चें मोटी कटी हुई, ठीक है. ये है मेरे पास फ्रेश मेथी, इसके मैंने पत्ते इस तरह से तोड़ के निकाले हुए हैं और धो के रख लिया है. इसको प्लीज़ काटिएगा नहीं, फॉर सम रीज़न मेथी को अगर कट किया जाए तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, ठीक है जी. ये है काली मिर्च जो मैंने फ्रेशली ग्राइंड की है, उससे हमेशा ज़्यादा बेटर टेस्ट और अरोमा आता है. सॉल्ट है मेरे पास, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे पास 2 से 3 लाल गोल मिर्च हैं, और कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के हैं. ये है मेरे पास कसूरी मेथी, लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला और बहुत थोड़ा सा साबुत धनिया. तो शुरू करें. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल 1/2 कप के करीब, बल्कि 1/4 कप, ठीक है. और अपनी अनियंस इसमें ऐड करके हम फ्राई करने के लिए रखेंगे. कलेजी की खासियत ये है कि कुर्बानी के बाद सबसे पहले अंदर आ जाती है और जल्दी जल्दी प्रिपेयर की जाती है, तो लोग बहुत मज़े से फिर खाते हैं, नाश्ते में भी पसंद करते हैं. तो एक बकरीद की जैसे एक सॉर्ट ऑफ लाजमी सी चीज़ होती है, ठीक है. तो हम आपको आज बनाना जो सिखा रहे हैं उससे बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल इसमें से जो है वो कोई नागवार स्मेल नहीं आएगी. एक चीज़ जो मैं भूल गई हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना, जो कि मैं अभी निकाल के ला रही हूँ, वो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गई हूँ. तो 2 चमचे मैं वो भी यूज़ करूँगी. जिस दौरान हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो हम लेके आते हैं, ठीक है जी. ठीक है जी, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ये कलेजी डाल के और फ्राई करेंगे. मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे. जब ताज़ी ताज़ी कलेजी आती है तो वो बहुत जल्दी गल जाती है, ठीक है जी. तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं, फिर अपने मसाले इसमें ऐड करना शुरू करेंगे. पहले जी तब तक ये फ्राई हो रहा है हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे. 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, ये कुछ करी पत्ते और लाल गोल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये जो थोड़ा सा साबुत धनिया था मैंने कूट लिया है, ठीक है. तो इसका भी मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी, ठीक है जी. अब हम इन चीज़ों के साथ से थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे. अराउंड 1 मिनट हम इन चीज़ों के साथ फ्राई करेंगे. करी पत्ते से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जो एक नागवार स्मेल होती है इंशाल्लाह वो नहीं आएगी, ठीक है जी. अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी देर उसके साथ सौते करेंगे. 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसके साथ सौते करेंगे. बहुत अच्छा, अब ये देखिए सौते हो गया है, और अभी से ही ये ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बल्कि इसमें से खुशबू बहुत अच्छी उठ रही है. तो मुझे यकीन है आप लोग जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा. इस स्टेज पे मैं इसमें ये टमाटोज ऐड कर दूंगी, ठीक है, 2.5 से 3, और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करूंगी, ठीक है. ये देखिए थोड़ी सी मैंने ऐड की है, और अब हम इसकी सीजनिंग भी कर लेते हैं. सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, जो कि है अराउंड 3/4 टीस्पून, ठीक है. याद रहे सॉल्ट आप बाद में हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं. 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ये फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, ठीक है जी. 1/4 टीस्पून इसमें जा रही है हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें जा रही है लाल मिर्च पिसी हुई. अगेन अगर आपको थोड़ी मिर्च ज़्यादा पसंद है तो ज़रूर आप प्लीज़ और ऐड कर सकते हैं. और 1/4 टीस्पून इसमें जा रहा है ये गरम मसाला, ठीक है जी. अब ये हमारी सीजनिंग हो गई, अब हम इनको थोड़ी देर और भूनेंगे और फिर पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे, ठीक है जी. गर्म पानी हमेशा की तरह मेरे पास मौजूद है,
जो कि मैं अराउंड 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि कलेजी तो फ़ौरन कर सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ख़ासतौर पर अगर ताज़ी ताज़ी आई हुई हो। और अभी इस साल तो ये भी नहीं पता कि कुर्बानी किस तरह से होगी, लोग किस तरह से अपने जो है वो ख़रीदने जाएंगे जानवर, क्या होगा। लेट्स सी, आई होप थिंग्स रियली गो वेल सबके लिए और सबकी बहुत अच्छी सी ईद गुजरे। तो इसको ढक्कन लगा के अब हम ये टमाटोज भी सॉफ्ट हो जाएंगे और 4 से 5 मिनट में कलेजी भी गल जाएगी, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप चलें जी। जब तक ये भुन रहा है, टमाटोज हमारे काफ़ी गल गए हैं, तो इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ दही 2 चम्मच, ठीक है, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। नहीं भी डालें तो चल सकता है, लेकिन डाल लें तो ऑब्वियसली ड्रिंक भी मच 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 बेटर। थोड़ी देर हम ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे और फिर हम इसको इसमें अपनी कसूरी मेथी और फ्रेश मेथी ऐड करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, 2-3 मिनट हो गए हैं तो हम इसको कवर लगाते हैं। जब कवर तक भुन रही है ये, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त बन रही है, गल भी गई है, टमाटोज भी सॉफ्ट हो गए हैं और दही के साथ भी बन गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 टेबल स्पून की कसूरी मेथी और ये धुली हुई फ्रेश मेथी जो है मेरे पास, मैं अराउंड हैंडफुल ऐड करूँगी, ठीक है जी। चलें जी, अब थोड़ी देर ये 2 तरह की जो हमने इसमें मेथी डाली है उसके साथ मैं इसको भूनूंगी, फिर 2 से 3 मिनट हम इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे एंड हमारी ज़बरदस्त ये कलेजी तैयार है हो जाएगी। मज़े से खाइए नाश्ते में ईद वाले दिन और खूब इन्जॉय कीजिए, ठीक है जी। राइट, अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, आँच हल्की कर दूंगी मैं एंड देन उसके बाद ये रेडी टू सर्व, ठीक है जी। ये हमारी ज़बरदस्त दम लग के तैयार हो गई है कलेजी, अब हम इसको सर्व करेंगे। उससे पहले ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लेमन जूस है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो ना करिए, लेकिन ये फ्लेवर को इन्हांस करता है, ठीक है जी। और अब इसके साथ ही हम इसको डिश में निकाल के सर्व करेंगे और रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है, ठीक है जी। डिश आउट हो गया, अब इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला इस पर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है जी, और ये थोड़ी सी बची हुई हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसको आप रोटी से, पराठे से, जिस चीज़ से भी चाहें खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। बकरीद की रेसिपीज़ में से एक है जो हमारे व्यूअर की फरमाइश पे बनाई है। बकरीद की और रेसिपीज़ अभी आने वाली हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखिएगा जो बकरीद स्पेशल में आएंगी। कुछ वेजिटेरियन भी आने वाली हैं, तो ट्राई कीजिए, बनाइए, बताइए कैसा लगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।